अस्सलाम फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे मौसम फरूक कत्ल केस के हवाले से कि शाहिद अफरीदी का कौन सा बयान सामने आया है और उसके बाद उसने किस चीज़ की डिमांड की है, और साथ इस पे बात करेंगे कि उन्होंने हेल्प करने के हवाले से क्या क्या बातें की हैं। इन सब पे आज बात होगी, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जो दोस्त न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। यूथ फ्रेंड्स, शाहिद अफरीदी का नया बयान सामने आ गया है और उसने मोहसिन फ़ारूक की फैमिली के साथ रब्ता किया है, जिसमें उसका कहना है कि मैं हर मुमकिन आवलों की मदद करूंगा, और साथ ही कहा है कि मोहसिन फ़ारूक कत्ल केस में मैं लड़ूंगा और इसको इंशाल्लाह इंसाफ दिलाऊंगा, और जहां तक हो सकेगा तो इस केस को मंद के अंजाम तक पहुंचाऊंगा। जहां तक मेरे सुनने में आ रहा है कि इस केस को ख़राब किया जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको जिस हद तक होगा लेके जाऊंगा और सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठाऊंगा और साथ साथ हुकामे बाला तक भी इस मसले को लेकर जाऊंगा। मुझे शाहिद अफरीदी का कहना यह था कि अभी मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और जैसे ही मैं मुल्क में वापस आऊँगा तो मैं सबसे पहले आपसे मिलने के लिए आऊँगा, उसके बाद अपने घर जाऊँगा। साथ ही मोहसिन फ़ारूक के कत्ल के हवाले से उनका कहना था कि जो इसके फ़ैन हैं वो इसको केस को कभी भी बैठने ना दें और सोशल मीडिया में मोहसिन फ़ारूक के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि जो भी हो एंड में हक और सच की ही फतह होती है और झूठ हमेशा बेनकाब होता है। तो इंशाल्लाह इस केस में भी ऐसा ही होगा और बहुत जल्द झूठ बेनकाब होगा और हक और सच की फतह होगी। आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।